आज हम देखेंगे हिस्ट्री के टॉप टेन जॉब्स जो आज एग्जिस्ट नहीं करते उन दिनों बार्बर्स सिर्फ बाल नहीं काटते थे उसके साथ साथ बेसिक सर्जरीज भी करते थे जैसे कि अगर दांत में कोई तकलीफ हो तो वो दांत निकाल के देते थे उसके पीछे सोच ये थी कि अगर बार्बर्स कैचिया रेजर जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं तो वो सर्जरीज भी कर सकते हैं लैम्प लाइटर जब रस्ते के लाइट्स बिजली से नहीं चलते थे तब ये प्रोफेशन हुआ करता था तब स्ट्रीट लाइट्स में मोमबत्ती होती थी या फिर वो गैस से चलते थे इसलिए दिन ढलने के बाद एक आदमी उन कैंडल्स को जलाता था और सुबह होने पर फिर से इस्तेमाल करता था रिसरक्शनिस्ट यह 1500 से 1700 के बीच एक प्रोफेशन हुआ करता था जिसमें कुछ लोग कब्र से शव को खोद कर निकालते थे और मेडिकल स्कूल्स को स्टडी या रिसर्च के लिए देते थे क्योंकि उस वक्त मेडिकल स्टडी के लिए शव मिलते नहीं थे इसलिए मेडिकल स्कूल्स रिसरेक्शनिस्ट को पैसा देते थे और वो लोग उन्हें अभी अभी दफनाए गए शव कब्र से निकाल कर रिसर्च के लिए देते थे जब अलार्म क्लॉक्स नहीं थे तब एक प्रोफेशन हुआ करता था जिसमें लोग अपने क्लाइंट्स को सुबह उठाते थे ताकि वो अपने काम पर वक्त पे जा सके उन्हें नौकर अपर्स कहते थे वो अपने क्लाइंट के विंडोज पर नॉक करते थे उसके लिए वो लंबी छड़ी पी शूटर्स का इस्तेमाल करते थे लेक्टर 1900 में फैक्ट्रीज लेक्टर को अपॉइंट करते थे जिसमें एक आदमी फैक्ट्री वर्कर्स को बड़ी आवाज में न्यूज़पेपर या किताबें पढ़ के सुनाता था जिससे फैक्ट्री वर्कर्स एंटरटेन हो सके कलेक्टर के समय में यह जॉब हुआ करता था राजा और राजघराने के लोग खाने के बहुत शौकीन थे और वो इतना खाते थे कि उल्टी कर देते थे और वो उल्टी इसलिए करते थे ताकि वो और खा सके उल्टी करना इतना सामान्य हो चुका था कि वो अपने जगह से उठते भी नहीं थे और वो खाते समय वॉमिट कलेक्टर एक कटोरा लेके खड़ा रहता था ताकि वो उसमें उल्टी कर सके और उसके बाद वो फिर से खाना शुरू कर देते थे हर्ब स्ट्रीवर सोलह सौ के आसपास चीजों को उतना साफ सुथरा नहीं रखा जाता था इसलिए उन दिनों लोगों के घर से या रस्ते पर घूमते वक्त गंदी बदबू आती थी इस कारण से अमीर लोग हर्ब स्ट्रीवर्स को काम पे रखते थे वो हर वक्त घर में खुशबूदार हर्ब्स या फूल डालते रहते थे जब राजा रस्ते पे चलते थे तब उनके आसपास भी वो लोग खुशबुदार हर्ब्स या फूल फेंकते रहते थे लीच कलेक्टर अठारह के आसपास लीचेस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते थे तो लीचेस को पकड़ने का प्रोफेशन शुरू हो गया था लेकिन लीचेस को पकड़ने का तरीका अजीब था लीच कलेक्टर्स नदी में उतरते थे और लीचेस को पैरों पर चढ़ने देते थे उसके बाद लगभग 20 मिनट्स तक लीचेस उन्हें काट कर उनका खून चूसते थे फिर उनका पेट भरने के बाद वो स्कीन से गिर जाते थे उसके बाद लीच कलेक्टर्स उन्हें पकड़ कर ले जाते थे डिस्पैच राइडर पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय में डिस्पैच राइडर्स मोटरसाइकिल पे बैठकर मिलिट्रीज के बीच अर्जेंट मैसेजेस पहुंचाते थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय में रेडियो ट्रांसमिशन ठीक से काम नहीं करते थे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद